मैंने शरीफ ख़ानदानों के बच्चियों को सेक्स बिजनेस में जाते देखा, क्योंकि जो ये जंग है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका जो नतीजा इतना ख़तरनाक होता है कि लोग हैंड टू माउथ हो जाते हैं। बलूचिस्तान जैसे सूबे में जो हमेशा निगलेक्टेड है, वहाँ पर एक खातून का इमर्ज करना जो इंसानी हकूक़ के लिए बहुत काम करती है, और मैं इसको फ़ख्र से कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया इस कायनात में। अलबत्ता मैंने बहुत लोगों के दुख शेयर किए, उनके दुख का हिस्सा बनी, उनके लिए स्ट्रगल किया, उनकी आवाज़ बनी, तो इसलिए ये रिकग्निशन मुझे मेरे इस जद्दोजहद की वजह से मिली। बेसिकली मेरा नाम मेरे वालिद साहब ने रखा था, और उन ये जो वर्ड है जलीला, ये अरबिक वर्ड जलील से निकला है, और इसका मतलब है आला रुतबा वाला। अक्सर लोग उसको मिक्स करते हैं जलाल से, और ये कितने गुस्से वाली है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। आई वॉन्टेड टू जॉइन मीडिया, और मुझे बड़ा मॉडलिंग का शौक़ था, और मैं एमटीवी बहुत देखती थी, वो मरिया मुझे डीजे बड़ी अच्छी लगती थी, और मैं मरिया को कॉपी करती होती थी, पर वैसा नहीं, लाइफ हमारे फेवर में नहीं होता। मैं एक फेमिनिस्ट फादर के घर पैदा हुई थी। कबाइली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ। लड़कियाँ जब 12-13 साल की होती हैं उनको बड़ी चादरें पहनाई जाती है, ये कल्चर का हिस्सा है। मगर मेरे अपा इसके थोड़े खिलाफ थे, वो कहते थे बच्चियों को अपना ड्रेस कोड खुद चुनना चाहिए, ये उनकी चॉइस है। स्कूल में मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, कोई जीनियस स्टूडेंट नहीं रही जो कहे टॉपर हूँ। मैं मैट्रिक में मैथमेटिक्स में फेल हो गई थी, क्योंकि आई वॉज नेवर गुड इन हिसाब किताब, और आज तक मैं नहीं हूँ इसमें, क्योंकि मुझे एस्मा का इशू था बचपन से। तो बहनों की तरह जो फिजिकली एक्टिव में कभी नहीं रही, तो बुक्स बहुत ज़्यादा, और अब्बा से मंगाती थी बुक्स, वो पढ़ती थी। फिर ज़्यादा रुझान हिस्ट्री और फिलोसफी में ही रहा। मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं उनमें से थी जो 8 साल की उम्र में जिन्होंने कुरान पढ़ा, फिनिश किया, और अभी भी मुझे उसके 15 सिपारे ज़ुबानी याद है विद तर्जुमा वो, और फिर हाफिज़ शेराज़ी की शायरियाँ पढ़ती थी। ये हमारे लिटरेचर का हिस्सा होता था जो हमारे घर का है। मेरे अब्बा ने हमें लाइफ में 3 सबक सिखाया, उसमें एक था कि अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं कभी किसी गरीब को नहीं देना, इफ़ यू वांट टू हेल्प तो उनको नई चीज़ लेके देना है। दूसरा उन्होंने कहा किसी ज़रूरतमंद की चीज़ मत खरीदना जब वो मुश्किल में हो, बल्कि उसकी हेल्प करना, क्योंकि वो अपनी बहुत प्रीशियस चीज़ जो है वो लाके किसी को देते हैं। और उन्होंने कहा कि जब कोई ज़रूरतमंद होगा तो उसकी सीक्रेसी कभी आउट नहीं करना कि वो आपके पास आया था। तो ये 3 प्रिंसिपल्स मेरे ज़िंदगी में बहुत अहम थे, क्योंकि मेरे अब्बा ने हमेशा वो किया। मेरे अब्बा ने कहा, क्योंकि मेरे अब्बा इंजीनियर भी थे, तो जब उनके मजदूर वगैरह आते थे, और कभी सर्दियों में, क्योंकि कोई टाइम बहुत विंटर होती है, तो मैंने देखा मेरे अब्बा ने अपने नए कोट उनको उतार के दिए हैं। इसी तरह मेरी अम्मा जो है, शी इज़ अ वेरी वेरी काइंड लेडी, तो उन मेरे अब्बा के डिमाइस के बाद उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा। हालांकि उसके बाद हम फाइनेंशियल क्राइसिस में भी रहे, मगर हमारे घर से कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि खाली हाथ गया हो। और अब जब लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, सो आई ट्राई टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल एज माय फादर एंड मदर टॉट अस। नहीं, हमारा बचपन बहुत जेंटल बचपन रहा। उसमें हम लोग डाइवर्स सोसाइटी में रहते थे, जो डिफरेंट ट्राइब्स और फेथ ग्रुप्स से मिक्स रहते थे। जो हमारे खत्ते में ये जो वाक़ शुरू हुए वो 9/11 के बाद से शुरू हुए, और ख़ासकर जो 1996 में जो अफ़गानिस्तान में तालिबान का होल्ड हुआ, उससे बहुत ज़्यादा जो माइग्रेशन हुई, आमद हुई जो पाकिस्तान में अफ़गान रिफ्यूजीज़ की, वो उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट क्वेटा शहर ने किया, क्योंकि वहाँ पर रहते थे। वहाँ से लोगों को इंजेक्ट करना शुरू हुआ कि आप हज़ारा हो, आप पश्तून हो, आप बलोच हो, आपका नज़रिया अलग है। तो जो मेरे क्लासमेट्स थे वो आज भी मेरे दोस्त थे, और
ये मैं कहूँ कि शायद वो आखिरी हम जनरेशन थे जिन्होंने एक डाइवर्स नस्ल में एजुकेशन हासिल किया, और बड़े भी हम उन्हीं के साथ हुए, दूसरे के फेथ को एहतराम करके हम लोग बड़े हुए। समझ भी नहीं आता था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन फेथ पे भी होता है या रेस पे भी होता है या जबान पे भी होती है। जब मैं 2005 से 9 तक एक चैरिटी स्कूल में पढ़ाती थी जो शू पॉलिशिंग बच्चे थे, वहाँ मैंने बहुत ह्यूमनिज्म सीखा, जिसे अक्सर जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी वहीं पे काम करते थे, वॉलेंटियर करते थे, बट दे वर अ बिट जजमेंटल फॉर देम कि इनके हाथ गंदे हैं इस तरह, बट आई नेवर फेल्ट के वो मुझे शू पॉलिश करके और फिर लंच के टाइम जब क्योंकि शाम के टाइम वो पढ़ने आते थे तो मेरे लिए पराठा लाते, उनके हाथ पॉलिश से भरे होते हैं। आई नेवर हैड कोई मुझे कोई बीमारी नहीं हुई उनके साथ। मैंने 4 साल बहुत कुछ सीखा, जो उनकी स्टोरीज होती थी बच्चों के साथ, उनकी स्टोरीज बहुत, वो बच्चे थे पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ों जैसे उनके स्टोरीज होती थी, तो वो मैंने उनसे सीखा। कबायली सिस्टम में बहुत मसाइल है और वो बहुत डीप रूटेड है, हमारे औरतों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर होता है, मगर जो प्रोफेशन लाइफ में मैंने नहीं देख के हमें कभी पीछे किया गया हो या इक्वली आगे लाते हैं। It's a good place for working there as a lawyer. बच्ची आई, उसका रेप हुआ था और उसका रेप उसके कज़न ने किया था, बाद में जो ट्राइबल लोग बैठे उन्होंने ज़बरदस्ती उसको एक और कज़न के साथ निकाह करवाया, जिससे वो प्रेग्नेंट थी जो पहले कज़न थी। फिर मैंने उसका केस किया, वो आई मेरे पास, मैंने बहुत हेल्प किया, बाद में वो अपने केस से मुकर गई और शी वेंट बैक टू हर फैमिली। और हालांकि ठीक है उसका डिसीशन था, पर जैसे हमारे, हम जैसे एक्टिविस्ट होते हैं, हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे एक खातून के हस्बैंड का अपने कज़न के बहू से कोई बातचीत थी, तो उन्होंने तय किया कि इस कज़न के वाइफ के साथ जिस घर वाले का बंदा रेप करेगा, सो आई हेल्प हर आउट। तो ऐसे बहुत केसेस हैं, मगर जो 15 एक बलोच बच्चे थे 2013 में एंटी टेररिज्म केसेस में पकड़े गए थे, तो उन बच्चों का मैंने केस किया था, और फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई हैड ओनली अ हाफ ऑफ बर्फी व्हेन दे वर एक्विटेड फ्रॉम ऑल ऑफ इट। उन पे 25 केसेस थे और 82 विटनेसेस थे, और वो 5 साल वो केस चला और फाइनली वो बच्चे इनोसेंट डिक्लेयर हुए, क्योंकि उनके एज 11 से 15 साल थे। हमारे मर्द औरतों को अपने साथ शाना बशाना तो देखते हैं कि वो उनके साथ धरनों में, मुजाहिरों में हिस्सेदार बने, मगर वो उनको हिस्सेदारी डिसीजन मेकिंग में नहीं देते, लीडरशिप के उसमें हिस्सेदारी नहीं देते, उनके लीडरशिप के क्वालिटीज़ को नहीं मानते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मर्द जाके वो डिसाइड करते हैं, औरतें बिठा के उनके नाम पर पॉलिटिक्स करके उनको माएँ बहने को खिताब दे के उनको आगे लाते हैं। जैसे अगर मर्द कोई धरना या मुजाहिरा करता है तो उसका नतीजा यह है कि स्टेट का एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मगर जहाँ ख्वातीन आते हैं तो उनको वो एग्रेशन पीछे चला जाता है। उस चीज़ों में तो मर्द औरत को एज अ टूल यूज़ करते हैं, मगर यही औरत जब हिस्सेदारी मांगे कि मैं हिस्सेदार हूँ, मुझे इस डिसीजन मेकिंग में हिस्सा दो, आप जिधर बैठते हो जब फैसला साजी है उसमें मैं भी बैठूँगी, तो इन चीज़ों में उनको नहीं रखते। तो मैंने हज़ारों ख़वातीन को कम अज़ कम इस हिस्सेदारी का हिस्सेदार बना दिया है कि यू शुड ऑल्सो गो एंड रिप्रेजेंट योर सेल्फ, कि आपकी नुमाइंदगी कोई और करे। क्वेटा जैसी जगह पे मेरे ख्याल में शायद लोग सोचते भी नहीं थे हज़ारों साल कैसा करेंगे, हमने वो किया। और इंटरेस्टिंगली इस मार्च को सपोर्ट करने में हमारे मर्द जो, जिसको हम शायद समझते बड़े तंग नज़र लोग हैं, उन्होंने हमें फंड्स भी दिए कि हाँ ये मार्च करो, ये बड़ी ज़रूरत है, हम अपने घर के भी ख़वातीन लाएंगे। तो मैं इस पर फ़ख्र फील करती हूँ कि मैंने बहुत चीज़ें इनिशिएट की जिसने इंस्पायर किया लोगों को। जब लोगों का आप पे ट्रस्ट होता है कि शी इज़ द राइट पर्सन हु कैन लीड, और ये हमारे साथ है, हम जैसा ही है, तो वो आपके साथ आते हैं, और वो बहुत इंस्पायरिंग था। औरत मार्च, और इस साल हम फिर तैयारी कर रहे हैं औरत आज़ादी मार्च। बेसिकली पाकिस्तान के तनाजुर में जो बलूचिस्तान की औरत का सवाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर माएँ कैंपों में बैठी होती है अपने मिसिंग बेटों के लिए,
वहाँ दहशतगर्दी में मारे जाने वाले माएँ रुल रही है, आज तक कोई रियासत ने उनके लिए कंपनसेशन नहीं दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो गैरत के नाम पर कत्ल का इशू है वो एक सीवियर इशू है। इस सारे जंगजू जो रवैया है, क्योंकि पाकिस्तान में 40 लाख जो है वो सिर्फ घरेलू हथियार है। अब उन हथियारों का इस्तेमाल, क्योंकि कहीं मैदान जंग पे नहीं होता, तो जब ताकतवर अपना जबर इस्तेमाल करता है तो कमज़ोर पे करता है, और वो अपनी औरतों पे इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, उनको गैरत के नाम से कत्ल करते हैं। तो इस दफ़ा हमारा मार्च शायद एंटी वेपन और इसके अलावा इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के मदर्स के साथ सॉलिडरिटी और जो दहशतगर्दी में मारे जाने वाले जितने लोग हैं उनके माओं के लिए जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड सिस्टम है वैसे ही उनके लिए भी स्टेट को बनाना चाहिए। ये हमारे डिमांड्स होंगे। मेरा फैमिली बहुत अच्छा है, दे आर लाइक मेरे भाई, दे आर लाइक क्रेजी पीपल, लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। पर कभी एक टाइम आया, लास्ट टाइम मुझे सोशल मीडिया पे बहुत हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, उसमें इतने पीपल ड्रेड माय फैमिली, तो मुझे लगा कि मेरी वजह से हुआ, बट दे ट्रूली सपोर्टेड मी, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनें सब मेरे साथ खड़े, और ख़ासकर मेरी अम्मा। अगर आपको घर से सपोर्ट नहीं हो, आप पूरी दुनिया में हीरो बने आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके रास्ते में आपका घर वाले खड़े हो, पर मेरे रास्ते में कभी मेरे घर वाले खड़े नहीं हुए। दे रिस्पेक्टेड माई वट एवर आई डू, उन्होंने हमेशा उसका एहतराम किया। वो जो एक सेग्रीगेशन शुरू हुई कम्युनिटीज़ की, फिर उसमें मैंने देखा कि जो बदमाश लोग हैं वो रिच हो गए, जो शरीफ लोग हैं वो गरीब हो गए। मैंने शरीफ ख़ानदानों के बच्चियों को सेक्स बिजनेस में जाते देखा, क्योंकि जो ये जंग है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका जो नतीजा इतना ख़तरनाक होता है कि लोग हैंड टू माउथ हो जाते हैं। मैंने ये भी देखा कि हमारे बच्चे आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हो गए। जब लोग मारे जाते थे सब चुप थे, इतने हैव एक्सेप्टेड के ऐसा होगा, होता रहेगा, बट मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं लास्ट ईयर हंगर स्ट्राइक टिल डेथ गई, और मैंने उनको बताया नहीं, रेसिस्ट करो, एक्सेप्ट नहीं करना है। पर मेरा शहर जा परायों को भी घरों में जगह देते थे, वहाँ उनके अपने लोग भी महफूज नहीं रहे। तो आई सीन मास माइग्रेशन ऑफ पीपल। बलूचिस्तान में अगर कोई हज़ारा परसिक्यूट होता है या उनको कत्ल किया जाता है, तो लाहौर के टीवी पे कोई नकवी या सैयद या कोई और शख्स आके हज़ारों की नुमाइंदगी करता है और उनकी बात करता है, जबकि सबाल्टर्न्स को खुद बोलने नहीं दिया जाता कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या नरेटिव है। हमने सोचा कि अब सबाल्टर्न्स को खुद अपने हक पे बात करनी पड़ेगी। रंग रंग बच्चे, हमारे बच्चे खेल रहे होंगे, पूरा बलूचिस्तान ऐसे ही, सब बच्चे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। दे आल शुड जॉइन हैंड विद अस। जितनी भी ख़वातीन हैं, घर में नमक ना हो तो मार पड़ती है, पानी ना हो तो मार पड़ती है, बिजली ना हो तो मार पड़ती है। अजीब सा कहर है, जबर है, उससे निकलना बड़ा ज़रूरी है। और चाहे वो रियासती सतह का जबर है, चाहे वो शख्सी सतह का जबर है, उन सब से निपटने के लिए हमें मुतहद होकर फिदरशाही को तोड़ना ज़रूरी है।